जनपद कासगंज में एक अजीबोगरीब मामला 5 दिनों से देखने को मिल रहा है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव रायपुर में एक ग्रामीण के घर में बीते 5 दिनों से लगातार अचानक आग लग रही है, जिससे घर में आग लगने की चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, आग लगने का मामला सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव रायपुर का है। गांव रायपुर के रहने वाले रूप किशोर सोलंकी की माने तो उनके घर में बीते 5 दिनों से लगभग 80 बार रहस्यमय ढंग से आग लग चुकी है। ग्रामीणों को घर के बाहर बाल्टी और टब लेकर बैठना पड़ता है। रूप किशोर का कहना है कि आग किसी भी समय घर में जल उठती है। ग्रामीणों की नजर घर की रखवाली रात दिन करने पर रहती है। कभी कपड़ों में तो कभी गेहूं की बोरी में अचानक से ग्रामीणों की आंखों के सामने आग लग जाती है। आग लगने को लेकर ग्रामीण दहशत में हैं, वहीं रस्मी आग पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं जब मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई तो लेखपाल मौके पर जांच करने पहुंचे। इस दौरान अचानक ही घर में आग लेखपाल के सामने लग गई, जिससे लेखपाल भी अचंभित रह गए। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या का समाधान कराने की मांग की है। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए कासगंज से फहीम अख्तर की रिपोर्ट। गांव में आग लगने का मामला है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है इसमें? ये अभी तो मेरे सामने आग लगी, इसमें क्या कह सकते हैं। अंदर बोरी, आटा की बोरी रखी, उनमें लग गई आग। अचानक से लग जाती है? अचानक से। तो इसमें क्या क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे, अपना पक्ष बताइए जरा। आपको तो जाँच दी होगी? हाँ, जाँच दी है, मतलब हमें इन्होंने फोन किया तो मैं तुरंत सुबह ही आ गया हूँ। बता रहे हैं 70-80 बार आग लग चुकी है। दिन भर 70-80 बार आग लग चुकी है 3 दिन के अंदर। और ये पीछे की बात भी नहीं है आपके? पीछे की ये तो मेरे सामने लगी है अभी, अचानक से आग लगी। अचानक से लग रही है। आपका और किस गांव के रहने वाले? रूप सिंह है। किस गांव के रहने वाले हैं? रायपुर के। क्या मामला है ये? ये मामला अंदरों में आग लग रही है। अच्छा, कहाँ? किस बात? 5 दिन हो गए। 3 दिन से ज्यादा लगे, 2 दिन तो इस चक्कर में रखो बच्चा बच्चा लग जाता। आज 3 दिन से लगातार 50 बार दिन में लग रही है आग। लग जाती है घर में अपने आप? और जहाँ शाम को 6 बज जाता उसके बाद सुबह 5 बजे तक कोई घटना नहीं होती है, जो घटना दिन में हो रही है। किसी को बताया, संज्ञान में दिया किसी को? सब गांव को बता, पूरे गांव को। अच्छा, अधिकारियों को पता? किसी को अधिकारियों को पता? फायर वाले पुलिस वाले आए, मेरे 100 नंबर वाले साहब, उस वाले उनके सामने लगी आज, जो उन्हें फायर ब्रिगेड वाले बुलाए। देखते ही देखते आंखों के सामने अपने आप जलने लगी? सामने लगी है साहब, पुलिस वालों के सामने फोटो ले गए खींच के। अब क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं जो प्रशासन करे, चाहते हैं हम सब।